हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वालों में। तो आज के जो वैकेंसी आ रखी है टाटा ग्रुप की तरफ से बहुत ही तगड़ी वैकेंसी निकाली गई है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब 2024 के अंदर आप पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और 2024 से पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपका सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो जॉब रहेगा आपका एक परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे सैलरी अच्छा ही रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी असेसमेंट या फिर कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा और इसी इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। तो इसको अप्लाई जरूर कर देना। सैलरी मैं आपको आगे बताऊंगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझने वाले हैं, अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट जो रहेगा यहाँ पे मात्र 900 प्लस आपको लाइक करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन से लोकेशन में आप अभी जॉब को सर्च कर रहे हो। फायदा आपको ये मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे टाटा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है एल्टिस कंपनी के साथ। ये बेसिकली जो कंपनी है वो आपकी पावर सेक्टर की कंपनी रहेगी, और डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली है। और यहाँ पे आपका जो कंपनी रहेगा ये आपका एल्टिस ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पाएंगे और इनकी क्लाइंट कंपनी में आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रखा है, रिलायंस के साथ इन्होंने काम किया है। उसके अलावा इनका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो टाटा ग्रुप के साथ अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा। और जो वैकेंसी शेयर किया गया है यहाँ पे लिंक्डइन पे वैकेंसी शेयर किया गया है, जो कि पलक ने वैकेंसी शेयर कर रखा है, जो कि जूनियर एचआर आपको देखने को मिलेगी एल्टिस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की। इन्होंने यहाँ पे 2 दिन पहले जॉब वैकेंसी शेयर कर रखा है, और ये बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब पोजीशन कौन कौन सा रहेगा, डिपार्टमेंट कौन कौन सा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है, जहाँ पे आपका डिज़ाइन का और प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट आपका देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जूनियर सेल्स इंजीनियर का पोजीशन रहेगा, और जूनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा मध्य प्रदेश का, एमपी का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है आपका इंदौर का और पीतमपुर का जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाला है, जो कि एमपी में ये आता है। एंड यहाँ पे अगर आपने बीबीटेक कर रखा है सिविल ब्रांच से या मैकेनिकल ब्रांच से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। इवन 2024 के अंदर आप पास आउट होने वाले हैं, या फिर 2024 से पहले आप पास आउट हो चुके हैं और आपकी ब्रांच सिविल है या फिर मैकेनिकल है या फिर इनसे रिलेवेंट कोई भी ब्रांच है जैसे कि प्रोडक्शन है, तो भी आप एलिजिबल है। डिपार्टमेंट ही आपका प्रोडक्शन रहने वाला है, तो आप इसको बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे
बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे सिंपली इन्होंने एचआर का ईमेल आईडी दे रखा है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एचआर की ईमेल आईडी पे डायरेक्टली आपको इनको ईमेल कर देना है, कवर लेटर को अटैच करके अपने रिज्यूम को बना के। रिज्यूम आप बना सकते हैं, आप किससे बनाएंगे रिज्यूम, आप कैनवा के थ्रू अपना रिज्यूम बना सकते हैं। वहाँ पर फ्री का ऐप है और बहुत सारे आपको वहाँ पर फॉर्मेट अवेलेबल है रिज्यूम के, तो आप अपना एक बढ़िया रिज्यूम बना के उसको डाउनलोड करके और यहाँ पे एचआर को ईमेल कर देना, ठीक है ना। ईमेल करने का तरीका आप सभी को अच्छे से आता है और आपने बीबीटेक कर रखा है तो इतना तो आपको आना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ईमेल करना है पलक के पास। आपके जितने भी रिज्यूम हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उन सभी के रिज्यूम पलक के पास पहुँचेंगे और पलक यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड करेगी अपनी यहाँ पे जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे ही आपका रिज्यूम यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो आपको ईमेल आ जाएगा। अब आपको ईमेल कैसे आएगा, वो कंपनी आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपने जो रिज्यूम के अंदर अपना ईमेल आईडी दे रखा है, अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उसके थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो आपको अपना ईमेल आईडी और आपको अपना मोबाइल नंबर ढंग से देख के वहाँ पे पुट करना है रिज्यूम के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट आपसे होगा और आपका वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका जो रहेगा, मैक्सिमम जो चांस रहता है इंटरव्यू का वो आपका यहाँ पे ऑनलाइन रहता है, फिर भी कभी कभी यहाँ पे आपका ऑफलाइन भी इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाता है। बाकी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सैलरी कितना रहता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है उसका सैलरी 4.5 LPA, लगभग 4.5 लाख रुपए एनुअल CTC आपको देखने को मिल जाता है। और जो यहाँ पे जूनियर सेल्स इंजीनियर है और जूनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जो सैलरी रहती है वो आपका 3.5 LPA से लेके 4.5 LPA के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। रिलोकेट आपको होना पड़ेगा, जो इन्होंने मेंशन कर रखी है लोकेशन इंदौर या फिर पीतमपुर का जॉब लोकेशन है, वहाँ पे आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। और अकोमोडेशन कंपनी आपको स्टार्टिंग लेवल पे प्रोवाइड करवाती है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कंपनी आपको पे करेगी, आने जाने का जो खर्चा रहेगा वो कंपनी आपको देगी। कंपनी की खुद की बसें भी चलती है जो कि आपको घर से जहां पे आप रहेंगे वहां से लेके इनका जो ऑफिस रहेगा वहां तक आपको आना जाना कंपनी आपको प्रोवाइड करवाने वाली है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कुछ पूछना रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो पलक ने जो पोस्ट डाल रखा है इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। वहाँ पे क्लिक करके आपके सामने ये टैब ओपन होगा और वैसे यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है, उसको पढ़ते हुए आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, आपका यहाँ पे ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है और कौन से लोकेशन में आप जॉब को सर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।